वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से है। देखिए, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फॉर आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। तो अभी तक जितने तत्व, 105 तत्व जो खोजे जा चुके हैं, उन तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेटेड सेलेनियम, सम अदर गोल्ड, वाइल सम प्लांट्स ग्रोविंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट सिटीज टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम। तो कुछ पौधे की प्रजातियां हैं, उनमें सेलेनियम का संग्रह करती हैं, कुछ गोल्ड का, जो नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप जो उगने वाले पौधे हैं, उनमें जो नाभिकीय स्थल पर उगते हैं, परीक्षण स्थल पर जो पौधे उगते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव तत्व स्ट्रॉन्शियम उनमें पाया जाता है। देयर आर टेक्निक्स दैट देयर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, 10^-8 ग्राम पर ml। तो द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सेलेनियम एज मैंशनड एबव, आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स। तो जो तत्व हैं पौधों में, इनकी बहुत ही न्यूनतम सांद्रता होती है, जैसे कि 10^-8 ग्राम पर ml। उनकी जो पता करने की तकनीक है, वो आज उपलब्ध है। प्रश्न अब यह इस बात का उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व में जो पौधे पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि स्ट्रोंशियम है, और क्या पौधों के लिए, वास्तव में पौधों के लिए अनिवार्य है? हम कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवार्य है या नहीं? तो इन्हीं सब बातों का इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कि एसेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी फॉर एलिमेंट आर गिवन, क्या है कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और शेड सीड्स। कि तत्वों को पौधों की सामान्य वृद्धि और उनके जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं तत्व। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे और बीज को भी नहीं धारण कर पाएंगे। पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट, इन द अदर वर्ड्स डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मीट बाई सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। मतलब कहने का यह हुआ, तत्व की अनिवार्यता जो होती है वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, किसी अन्य तत्व द्वारा उनका रिप्लेसमेंट करना संभव नहीं है, और साथ ही साथ में किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, यानी कि उपापचय में, मेटाबॉलिज्म में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो वो तत्व, यानी कि तत्व जो होते हैं मेटाबॉलिकली में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो बेस्ड अपॉन द एबव क्राइटेरिया ओनली फ्यू एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइड इन टू टू ब्रॉड कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर क्वान्टिटेटिव रिक्वायरमेंट, यानी कि हम इस तरीके से हम देखते हैं कि जो उनका मापदंड है
इस मापदंड के उपरोक्त जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि और उनकी उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनकी आवश्यकता के आधार पर हम यहाँ पर दो भागों में विभाजित करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हम स्टडी अगले वीडियो में करेंगे और इनकी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लर्न करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।